मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिन्होंने भी वो मॉक्स मिस किए थे वो कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको मुझसे कम आता था या उनकी प्रिपरेशन कम थी। कई लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे डेफिनेटली ज़्यादा आता है, जिनने ज़्यादा पढ़ाई करी है, लेकिन क्योंकि उनको प्रेशर बिल्ड करने की, उसको संभालने की एक्सरसाइज नहीं थी, उस वजह से उनको डिफ़िकल्टी हुई है। तो हमारे साथ विभा आर्या हैं और आज उनके हस्बैंड से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, महीम जी। हुआ ये कि अगर आपको याद हो तो जब अभी प्रोग्राम चल रहा था एक सज्जन जो है स्टेज पर आए थे और जिन्होंने कहा था विभा मेरी बहू है, वो इनके बारे में ही बात कर रहे थे। सो, उस समय महीम भाई की तबीयत सही नहीं थी तो विभा प्रोग्राम में आ नहीं पाई थी। और होता ये कि रिज़ल्ट आ जाने के बाद मेरे लिए खुशी का मौका ऐसा होता है कि महीने डेढ़ महीने तक मैं सिलेक्टेड लोगों से मिलता रहता हूँ, अकेले ही मिठाई खाता रहता हूँ, वज़न 2-4 किलो बढ़ा लेता हूँ। लेकिन अगर क्लास के टाइम पर कोई भी स्टूडेंट मिलने आए तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों से मिलवाऊं। और शिया पहली बार क्लास में है तो इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती कि क्लास का फर्स्ट डे ही आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलने का मौका मिले। क्योंकि मैं लगातार ये कहता रहता हूं कि सक्सेस जो है वो इन्फेक्शियस होता है, सफलता संक्रामक होती है। और सफल व्यक्ति से मिलने पर आपको अंदाज़ा होता है कि आपके ही जैसा कोई साधारण व्यक्ति है जिसने कुछ असाधारण उपलब्धि हासिल की है। और एक बात तो है ही, आम कहा जाता है कि जो तार से निकल रही है वो धुन सब सुन रहे हैं, जो तार से निकल रही है वो धुन सब सुन रहे हैं, जो साज पे गुजरी है वो किसको पता है। तो साज पर क्या गुजरी, मतलब तैयारी कैसे की, क्या तैयारी रही, प्री और मेंस के समय क्या चैलेंजेस आए, और वही बात इंटरव्यू के दिन क्या हुआ था। और अभी तो स्कोर कार्ड भी आ गए हैं, सबके मार्क्स भी आ गए हैं। सो मुझे लगता है कि विभा को हमको सुनना चाहिए और जिससे आपको पता चले कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ऐसे अब तो विभा सुनना ही है आगे, है ना, मतलब जीवन के सारे समय बस डायस पे बैठना है, ऑन बोर्ड होना है और वकीलों की दलील सुननी है। एक मौका है बढ़िया हाई कोर्ट पहुंचने से पहले कि एक स्पीच आज हो जाए जहां पर अपने दिल की बात आप रखें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं विभा से अबाउट प्रिपरेशन कि कैसे किया जाए, क्या ये मत पूछना कि ऐसा अच्छा हस्बैंड कैसे मिलेगा, हाँ ये वाली बात मत पूछना, ये वाली बात पूछ सकते हो कि तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आप में से कुछ लोग हैं जिनके हस्बैंड अगर उनकी पढ़ाई में उनके साथ सहयोगी हैं सो ये दिन बढ़िया होता है जहाँ पर मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनके हस्बैंड यहाँ आए थे तो एडमिशन के लिए आए थे और आज आए तो रिजल्ट की मिठाई खिलाने आए। सो, ये होता है प्राउड मोमेंट कि जो डिसीज़न लिया गया था वो डिसीज़न बहुत बढ़िया डिसीज़न था, सही डिसीज़न था। जैसा कि अभी विभा बता रही थी हम बैठे थे तो कि तैयारी करने के लिए एकेडमी आने का विभा का मन नहीं था, उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि तुमको तैयारी करने के लिए जाना चाहिए इंदौर। और लगभग पूरा एक साल विभा ने तैयारी बहुत जम करके की और उसका परिणाम ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अगर आप में से कुछ के मन में ये डाउट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होता है क्या, तो वो भी डाउट आप आज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने ही वो कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। ऐसे भी लोग हैं जैसे प्रियंका के बारे में मैंने बताया था, उसने 6th अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होगा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तैयारी अच्छी है तो पहले ही बार में काम हो जाएगा, वो कहा जाता है ना कि लोहा गर्म है तो मारो हथौड़ा, और जहाँ लोहा ठंडा है तो हथौड़ा मार मार के उसको गर्म करना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है, कि आप एग्ज़ाम देते देते प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ इस बात पर ये डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटो आया हुआ है तो विभा को एक मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि ये स्मृति चिन्ह, ये मोमेंटो अपने साथ वो ले जाएं और जब भी उसको देखें तो याद आए कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ी, यहाँ से निकली, या जो भी कुछ उनकी यादें हैं खट्टी मीठी यहाँ की, वो लड़ाई झगड़े में कम ही रही, ये सब दादागिरी तुम ही लोग कर रहे हो आज की डेट में, तो वो सिर्फ पढ़ने में ही रही। तो जो भी उनकी यादें हैं वो यहाँ से साथ में जाएं और हमेशा वो खुश रहें, सफल रहें, समृद्ध हों, और एक समय ऐसा हो कि हम उनका नाम पढ़ें जस्टिस विभा आर्या के नाम पर कि जब वो हाईकोर्ट में एलिवेट हों। ऐसी शुभकामनाएं उनको देते हैं, मैं मोमेंटो देता हूँ, आप लोग तालियां दीजिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए विभा को सुनते हैं। विभा, आर यू रेडी? वेलकम।
हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। अभी कुछ प्रिपरेशन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया है, तो आदत नहीं है ऐसे बोलने की, बट आई विल ट्राई। और मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया या मेरे लिए क्या काम आया। आज के ऑस्कर सेरेमनी की दीपिका पादुकोण यही है। हाइट तो मैं बस थोड़ी सी हाँ, तो अगर प्री से स्टार्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो तब हम डिसाइड करने लग जाते हैं कि अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं या अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी जगह अगर हम सिर्फ ये समझे कि शुरू में हम सिर्फ हमारे सब्जेक्ट्स रेडी कर रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो वो हमें दोनों जगह हेल्प करता है, प्री में भी और मेंस में भी। उसके अलावा प्री में ये रहता है कि हम लोग जो 40 मार्क्स रहते हैं अदर देन लॉ, उसको हम लोग स्टार्टिंग में उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं और आखिरी में उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो मैंने ये किया था कि मैंने जीके के लिए मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया था। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे पता था इंग्लिश में मार्क्स नहीं आने वाले हैं मेरे, तो हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश की थी कि कंप्यूटर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकूं। उसके अलावा मैंने कोशिश की थी कि सिर्फ एमपी जीके के अलावा भी मैं दूसरी जगह देखूं। जैसे मुझे पिछला पेपर देख के समझ में आ रहा था कि इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैंने हिस्ट्री को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी थी, तो उसने मुझे हेल्प किया क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। उसके अलावा बाकी जो हम लोग का डिफ़िकल्ट एरिया होता है, जो हमें पता होता है कि हम कहाँ पे वीक हैं, उसको आइडेंटिफाई करना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे पता था मुझे नाम नहीं याद होते, तो केस लॉ अगर रीसेंट आएगा तो मैं गलत करके आऊँगी। तो मैंने कोशिश की थी कि बाकी जो लॉ आने वाला है उसमें मैं हाईएस्ट स्कोर कर सकूँ, तो उसने मुझको बहुत हेल्प किया था। बाकी हर स्टेज का सबसे मेन पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि मॉक्स होते हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, मॉक्स हमेशा हेल्प करते हैं। एक तो मॉक देते देते ना, जब मेन पेपर होता है तो वो भी हमें मॉक ही लगता है, तो वहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है पेपर को लेके, जो हमारे दिमाग में बनता है, वो नहीं होता है जब हम मेन पेपर देते हैं। और मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट वीकली टेस्ट, हाँ, वीकली टेस्ट जो हमारे हर वीक होते हैं, चाहे वो प्री का हो या मेन्स का हो। और उसके अलावा जो आखिरी में हमारे मॉक पेपर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिन्होंने भी वो मॉक्स मिस किए थे, वो कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको मुझसे कम आता था या उनकी प्रिपरेशन कम थी। कई लोग ऐसे हैं जिनको मुझसे डेफिनेटली ज़्यादा आता है, जिनने ज़्यादा पढ़ाई करी है, लेकिन क्योंकि उनको प्रेशर बिल्ड करने की, उसको संभालने की एक्सरसाइज नहीं थी, उस वजह से उनको डिफ़िकल्टी हुई है। तो ये मेरे प्री की प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया। उसके बाद में मेंस में ऐसा था कि मेरे क्वेश्चन आंसर रेडी नहीं हो पाए थे, तो मैंने कोशिश ये की थी कि जिस दिन मेरा प्री हो गया था, उस दिन मुझे पता था कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं कि मैं मेंस देने वाली हूँ, तो उस दिन से मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, सर ने मुझे बोला था कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, तो मैंने क्या किया था कि उनको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया था और उनको लिख लिख के सॉल्व किया था। उसके अलावा मैंने ये किया था कि मैंने देख लिया था, मैंने सिनॉप्सिस बना लिया था कि पिछले कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन कितने सालों के बाद रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है, तो उससे एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और जब पेपर में पहला क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ आता है जो आपने प्रिपेयर किया है, तो वो पेपर आप अलग ही टेंजेंट पे जाके देते हैं, वो आपको वो फिर प्रेशर जो होता है वो पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है। उसके अलावा पेपर मेंस में पेपर 2 और 4 बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मैंने पेपर 2 को हमेशा से इंपॉर्टेंस दी थी, थैंक्स टू माय हस्बैंड, वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे कि नहीं, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है। और क्रिमिनल का ट्रांसलेशन बहुत इजी था मेरे लिए हमेशा से, क्योंकि हमारी क्लास साथ में होती थी हिंदी इंग्लिश की, तो सर दोनों भाषाएं साथ में यूज़ करते थे, तो क्रिमिनल के वर्ड हमें पता भी नहीं चले कि हमें कब याद हो गए थे, हमें कब क्रिमिनल का ट्रांसलेशन आने लग गया था, वो हमको नहीं पता था। उसके अलावा ये था कि जिनके साथ में बैठती थी, ये मेरी सीट थी सेकंड नंबर वाली, जो मैंने आते से सबसे पहले वहीं देखा था, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे अंकिता, जागृति, वो लोग हिंदी मीडियम से थे और मैं उनको दिन भर सुनती रहती थी, और मुझे जैसे ही कोई भी वर्ड क्लिक होता था तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी। वो लोग परेशान रहते थे कि इसका दिन भर ट्रांसलेशन ही चालू रहता है, तो उस वजह से मुझे सिविल का भी ट्रांसलेशन अच्छे से आने लग गया था।
समराइजेशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मुझे फर्स्ट मॉक में 4.5 नंबर मिले थे 20 में से, अभी ठीक मिले होंगे ऐसा लगता है मुझे, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको हम लोग सोचते हैं कि वो तो हो जाएगा पर वो होता नहीं है, उसको अच्छे से करना पड़ता है। उसके बाद आर्टिकल आपको पता होता है, टॉपिक्स थोड़े बहुत अंदाज़ा लग जाते हैं, और बाय चांस अगर नहीं भी आता है ना जो पढ़ा हुआ है, तो जब हम आर्टिकल प्रिपेयर करते हैं तो हमको पता होता है कि आर्टिकल किस तरह से एक तरह से लिखा जाता है। तो जो अगर टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ भी नहीं आया है तो भी हम उसको अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब हम उसमें एवरेज मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बिना पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया तो, अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस दूसरे आर्टिकल्स की है तो आप अगर कोई टॉपिक बिना पढ़ा आया तो उसमें ठीक ठीक आप लिख लोगे। फोर्थ पेपर होता है जजमेंट का, तो जजमेंट के लिए ये है कि अगर आप अभी से जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं या अभी से जजमेंट्स आप बहुत सारे अगर पढ़ भी लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ना समझ में आता है कि कुछ लिमिटेड सेक्शंस होते हैं, एक फॉर्मेट होता है उसमें शुरू करते हैं, तो एक ढांचा हमको पता चल जाता है कि किस ढांचे में हम जजमेंट लिखने वाले हैं, और बाकी तो फिर उसकी प्रैक्टिस होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट राइटिंग के पेपर में मेन होता है कि उसको समय से कम्प्लीट कर लें, वो सबसे बड़ा टारगेट होता है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। फिर इंटरव्यू था जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, फिर मुझे पता चला कि मैं तो बहुत नर्वस दिखती हूँ। सर ने बताया कि तुम तो पूरे टाइम नर्वस ही दिखती हो फेस पे। फिर रिकॉर्डिंग्स मिली, उसके बाद ऑब्वियसली मॉक्स हेल्प करते हैं, हर स्टेज पे मॉक्स हेल्प करते हैं। मतलब अगर कोई ट्रिक पूछता है कि क्या ट्रिक है, तो ट्रिक्स हैं मॉक्स। आप जितने मॉक्स दोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दोगे, उतना आपको हेल्प होगा। और बाकी इंटरव्यू में मेन ये नहीं होता जो मुझे अब समझ में आता है, उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था, शुरू से नहीं था, पर अब समझ में आता है कि इंटरव्यू में ये नहीं होता कि आप आंसर क्या दे रहे हो, आप आंसर कैसे दे रहे हो, कंपोज हो कि नहीं हो, वो बस इतना ही चेक करते, क्योंकि वो तो घूरते भी ऐसे हैं कि तुम अगर सही भी आंसर दे रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि गलत ही दे रहे हो। थैंक यू। एक बार क्लैप कर दें उनके लिए, अ प्राउड हस्बैंड। मेरा नाम महीम है और मैं गार्डर से सरनेम लिखता हूँ। मेरी वाइफ ने अभी तक नेम चेंज नहीं करा है, एक्चुअली हमने कभी प्रेशर नहीं करा उसको, कभी लगा ये नाम चेंज करने का, तो उन्होंने नेम चेंज नहीं कराया। हमारी शादी को 9 साल हो गए, ये कॉन्स्टेंटली उतने सालों से पढ़ रही है, इन्होंने CS क्लियर करा हुआ है, मैथ्स साइंस से थी, बायो पढ़ा हुआ है, लेकिन BCOM में डिग्री करी हुई है, और लगातार मतलब फर्स्ट ग्रेड में ही आई है, हर कुछ क्लियर करा हुआ है, ऐसा नहीं है, कभी डाउट नहीं है, डांट खाती है हमेशा क्योंकि फिर कई बार छोड़ देती है कुछ चीज़ें खाने के लिए, ऐसा है कि कई बार डाइटिंग पे रहेगी और फिर ऐसा है कि आज ही खाना चालू कर देगी, आज ही डाइटिंग पे रहेगी, आज ही खाना चालू कर देगी। पढ़ाई का भी ऐसा ही है, आज डिसाइड करेगी 8 घंटा पढ़ना है और आज ही 1 भी घंटा नहीं पढ़ेगी लेकिन मेहनती है। और अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन का ये बताता हूँ कि ये ना कभी इसने डाउट नहीं करा अपने ऊपर, मैं बोलता था कि अगर होएगा तो ये प्लान है, नहीं होएगा तो ये प्लान होगा, तो ये बोलती थी कि क्यों नहीं होएगा, होएगा तो ही। मतलब पहले दिन से इसका ऐसा था कि मैं जज हूँ, उसी हिसाब से मेरे से बात करती थी तो वही है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, सब कुछ उन्हें बता दिया है, सेल्फ डाउट मत रखो अपने, बस ठीक है, थैंक यू। सो की समझ में आया, सफलता का एक राज है अपने ऊपर डाउट नहीं रखना। और मुझे याद आता है जब मेंस के टाइम पर, क्योंकि साल भर पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपके पास आपके मेंस और प्री के नोट्स होने चाहिए। जैसा कि विभा ने बताया, प्री का एग्ज़ाम हो गया और जब हम मिले तो मेंस के क्वेश्चन आंसर सारे तैयार नहीं थे, कुछ तैयार थे, और फिर वो लगातार मेहनत करती रही, लिखती रही, चेक करवाती रही। और एक बात बिल्कुल सही है कि कहीं पर डाउट, सेल्फ डाउट नहीं था, वो इंटरव्यू के टाइम पर भी जैसा बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंट थी कि मैं बहुत बढ़िया बोल रही हूँ। और मैंने एक बार ये कमेंट दे दिया था कि बात करती हो तो ऐसा लगता है कि एकदम डरी घबराई हुई हो, तो एकदम टेंशन में आ गई और पूछने लगी, सर ऐसा लगता है क्या? अरे मैंने कहा लगता है तभी बोल रहा हूँ, नहीं तो क्यों बोलूँगा।
बट उसने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया और जिस तरह से बात कर रही है काम एंड कंपोज्ड, एक जज की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये भी है कि आप काम एंड कंपोज्ड रहें। और जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, इन अ साइलेंट माइंड द एंटायर यूनिवर्स इज रेडी टू सरेंडर। अगर आपका मन शांत है तो पूरे कायनात का ज्ञान उसमें समा जाना चाहता है। तो एक बार फिर से हम सबकी ओर से विभा को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़ती रहें। और अच्छी बात एक और बताऊं, एक अच्छी पहल विभा ने और की कि जब अभी आई तो मुझे उसने फ़ोन लगाया कि सर मेरे बुक्स और नोट्स जो हैं मैं लेकर के आ रही हूँ, कोई अगर नीडी स्टूडेंट है वो उस तक पहुँच जाए तो ये आगे जो है किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे बांट देना चाहते हैं, क्योंकि सफल हो जाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप सरल भी हो जाएं। तो मेरे अनुभव में अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग हैं टचवुड, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो कि सरल हो जाना चाहते हैं, जो हेल्पफुल हैं, जो ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ भी हैं। तभी मैं सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहा हूँ लगातार, और कुछ लोगों से आपको भी मिलने का मौका मिल ही रहा है। तो ये मिलना सिर्फ इस बात के लिए है कि यहाँ से आप इंस्पायर्ड हों, यहाँ से आप ये ना सोचें कि हाय मेरी तो शादी हुई नहीं है, अब मुझे कौन पेपर टू में मोटिवेट करेगा, मेरा तो नहीं होने वाला, ऐसा नहीं सोचने लग जाना, क्योंकि ये उनकी कहानी थी, है ना। मैं बार बार ये बात डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि ये उनकी कहानी थी, जिसकी हीरो वो हैं, वो कहानी उन्होंने लिखी। अभी आपकी सफलता की कहानी लिखी जानी बाकी है, जिसके हीरो आप होंगे और वो कहानी आपको लिखनी, ठीक है। तो ये बात यहीं समाप्त करते हैं, हम क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू MJ सर, थैंक यू अभिषेक भैया, थैंक यू माया मैम और बहुत सारे लोग जो बैकग्राउंड में काम करते होंगे जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी उनके लिए। आप लोग को हमेशा याद रखूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके किसी काम आ सकूँ, तो थैंक यू जी सर। वो कुछ पूछना चाह रहा है जी। हाँ सबके साथ होता है। देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर ही होता था। जैसे उन्होंने बताया कि मैं जिस दिन सोचती थी ना कि आज बहुत सारा पढ़ूंगी, मैं उसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ती थी। तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि अब नहीं होने वाला है या नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेनली ना हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है या हमने दोस्तों को आउटिंग करते हुए देख लिया है, तो मुझे लगता है कई बार उसकी वजह से भी होता है। तो अगर हमारे दिन गए हैं ना, तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर मेरे चार दिन गए तो मैं उनको दो दिन में कवर कर लूँगा। मतलब मैं हमेशा ना टाइम ये ज़रूर बनाती थी, फॉलो करती थी, नहीं करती थी वो अलग है कि कितना पढ़ूंगी, लेकिन मेरी ये डेट्स रहती थी कि मैं इस डेट तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो अगर मैंने दो दिन नहीं पढ़े तो मैं अगले दो दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती थी, तो वो हेल्प करता था। और बाकी यही है कि कीप वर्किंग हार्ड, इट विल इवेंचुअली रिजल्ट। थैंक यू सो मच।